नाज़रीन, आपको जैसा कि पता ही है कि पाकिस्तान के हालात बहुत इस वक्त नाजुक चल रहे हैं। पाकिस्तान कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे। पाकिस्तान को एक इनकलाब की ज़रूरत है। वो इनकलाब एक लेजेंड दे सकता है, और वो लेजेंड इस प्लाजा के अंदर मौजूद है, अल फतेह शॉपिंग मॉल के अंदर मौजूद है। उस लेजेंड से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, जो कि इनकलाब लेके आ सकता है पाकिस्तान। अभी आपकी मुलाकात करवाते हैं उस लेजेंड से, जो कि इनकलाब लेके आ सकता है। आज इनसे मिले, ये है वो लेजेंड, लेजेंड ऑफ मौला जट। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? आप समझे कि हम आपको कोई पीडीए के जलसे पे लेके जाएंगे जहाँ पे आपको इनकलाब नजर आएगा? ये क्या है मौला जट? आई देख के आपको बताते हैं कि कैसी है। लेकिन हम आप बहुत लेट रहे हैं, रश इतना तो नहीं है, लेकिन चलें देखते हैं। सरगोधे में एक ही सलमा, वो ये जो चालू है, बाकी बिल्डिंगें तो बहुत हैं, लेकिन सिर्फ वो तो समोसे लाते हैं। वही तो गल पूरी करनी है, टिकट वाली टिकट फाड़ के अगे जान देने। सात और आठ नंबर हमारी सीट है, जो कि ये दोस्तों ये है वो मशीन जो शवाएँ फेंकती है, और सामने पर्दे पे हमें बंदे नज़र आते हैं। ये सामने वाइट पर्दा लगा है, और ये बंदे भी शुरू हो गए आने। अभी फिल्म स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम है। इंग्लिश सीजन ही जो होते उसका विलन बना दिया, बहुत कमाल लगा यार ये। लो जी ये साडा मौला जट। लो जी भाई जान, अब टाइम हो गया। चक्के पड़े भाई, 600 की हो जाता है। लड़की कर फिल्म खत्म हो गई है भाई जान। हैं नहीं भाई जान। लो भाई जान, ये हाफ टाइम पे फिल्म अकाई खड़े हैं ये भाई। बहुत कमाल शेर राइटर ने लिखी है, बहुत कमाल। दोस्तों फिल्म देखी है मौला जट, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई पाकिस्तानी फिल्म है या कोई बॉलीवुड की फिल्म है। बिल्कुल हॉलीवुड, बिल्कुल 100% हॉलीवुड फिल्म है, लेकिन बस उसकी लैंग्वेज जो है वो पंजाबी कह रही है। फिल्म का कोई सीन भी ऐसा नहीं है जो आपको बोर लगे, बहुत कमाल, हर सीन कमाल का। VFX जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो कमाल के, आपको ये पाकिस्तानी मूवी तो बिल्कुल नहीं लगने वाली, और बोर नहीं हो सकते आप इस ये मूवी देख।